अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि तमाम नाज़रीन खैरियत से होंगी, और जो खैरियत से नहीं है तो अल्लाह ताला से उनके लिए खैरियत का दुआ गो, ताकि उनको खैरियत नसीब हो सके। नाज़रीन, आज हमारा मौज़ू है देहाती और बादशाह का महल, एक सबक आमोज कहानी। तो नाज़रीन, वीडियो शुरू होने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल मिक़दाद ऑफिशियल में आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल मिक़दाद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे रहे। तो नाज़रीन, चलो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। नाज़रीन, जिक्र है कि बादशाह ने बहुत ही आलीशान महल तामीर किया, जो देखता बस देखता ही रह जाता। महल नहीं था, जन्नत का टुकड़ा था। गरज ये कि जो भी आता देखता तो हैरान रह जाता। मगर बादशाह ने अजीब शर्त रख दी, जो शख्स महल को एक मुकर्रर वक़्त में देखेगा पूरा महल उसी दे दिया जाएगा, लेकिन जो शख्स उस मुकर्रर वक़्त में नहीं देख पाएगा उसका सर कलम कर दिया जाएगा। बहुत सारे सर पेरे नौजवान मना करने के बावजूद जान गनवा बैठे। जो भी जाता पूरा किया कि आधा महल भी न देख पाता कि वक़्त पूरा हो जाता और अजल का पैगाम लेकर ही आता। इस बात का शोहरत बहुत दूर तक पहुंच गया। एक नौजवान देहाती की कानों तक भी ये खबर उल्टी उल्टी पहुंच गई। नौजवान ने जब पूरी बात सुनी तस्दीक की और बादशाह के महल में पहुंच गया। दरबारी वजीरों मुशीरों और जलादियों ने भी मना किया, मगर ओहो पक्का निकला और इजाज़त लिए और मुकर्रर वक़्त दे दिया गया। नौजवान महल में पहुंचा दिया गया। नौजवान ने एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक दर व दीवार, कमरे, राहदारियाँ, पानूस, कमकमे, कालीन, सोपे, तालाब, हौज़, बाग, अलगरस एक एक चीज़ कड़ी पहरे में देख लिए और वक़्त ख़त्म होने से पहले बादशाह की रूबरू पेश कर दिया गया। बादशाह और तमाम दरबारी गोया सनाटी में आ गए। बादशाह ने कहा, नौजवान मैं अपनी शर्त पर कायम हूँ, महल अब तेरा है, मगर ये बात समझ नहीं आई, वक़्त ख़त्म होने से पहले तो शुद्धा वक़्त में इतना खूबसूरत जिसकी दर व दीवार, क्यारियाँ, बागात, हौस, तालाब, कमरे, रिहायशी इतनी खूबसूरत है, तुमसे पहले जो गया कोई बाग में पहुँच कर बाकी खूबसूरती में को गया, कोई क्यारियाँ कोई कुमकों में कोई दर व दीवार की नक्श व निगार में को गया और वक्त ख़त्म कर दिया और जान गनवा बेटा, तुमने पूरा वक़्त भी नहीं लगाया और महल भी देख लिया। नौजवान ने बादशाह की बात सुनकर भरपूर हंसा और कहा, बादशाह सलामत, मुझसे पहले जितने लोग भी महल देखने आए सब के सब नीची दर्जे के बेवकूफ़ थे, जो महल की खूबसूरती में को गई और जाने गनवाते रहे। बादशाह सलामत महल के सदर दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही मैंने अपनी आँखें नीम मुआ कर लिए थे और पूरा महल आंखें बंद करके देख आया। मैं इतना बेवकूफ़ नहीं जो महल की खूबसूरती में कोकर अपनी जान गनवा देता। बादशाह सलामत, अब महल मेरी मलकियत है, मैं उसी जी भर कर देखता रहूँगा। दोस्तों, ओहो महल दुनिया है, बादशाह ओहो करीम ज़ात है और महल की खूबसूरती में को जाने वाली हम इंसान हैं और नीम व आँख वाली ओह दाना और कामयाब इंसान है, जो इस दुनिया की खूबसूरती में को नहीं जाते, बल्कि बामकसद ज़िंदगी गुजार कर अल्लाह की हुजूर पहुँच जाते हैं।
तो नाज़रीन आज के लिए ये काफ़ी है, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी और इसका मरकज़ी ख्याल आपके ज़हन में आई होगी। तो आज के लिए ये काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारा यूट्यूब चैनल मिक़दाद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी आपके ज़रिए कुछ अहम मालूमात मिल सके। और अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए कि हमारा वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो किस मौजू पर बनाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।